तो यार गाइस कैसे हो। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो यार देखो, जिन भी भाई लोगों का कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर भाई अच्छा नहीं गया या जिन भाइयों के कम नंबर आ रहे हैं, तो यार देखो देखो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो अपन ने मेहनत की है ना भाई, वो कहीं ना कहीं तो अपने काम आ ही जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको पता हो या नहीं हो, कि भाई सूचना सहायक या जो इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट है भाई, उसकी वैकेंसीज बहुत ही जल्द आने वाली है। ठीक है, तो जो आपने कंप्यूटर अनुदेशक में मेहनत की भाई, उसका आपको फायदा यहाँ पर मिलने वाला है, जिन भाइयों का सिलेक्शन वहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो भाई चलिए अपन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए उस फॉर्म को भरने के लिए। तो आप देखो, पहली बात मैं आपको बता दूँ कि भाई आपको 40% का क्राइटेरिया बिल्कुल यहाँ पर रहने वाला है, जिस पर ये बहस चली थी ना इस पर कंप्यूटर टीचर में, कि भाई 40% होगा या नहीं होगा। भाई बोर्ड ने तो हमको बताया ही नहीं है कि भाई 40% था या नहीं था। तो भाई यहाँ पर क्लियर कट बता दिया गया कि भाई 40% आपका रहने वाला है। भाई बात कहती कि आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन से चाहिए वहाँ पर, तो भाई मैं आपको बता दूँ कि भाई जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है CS या IT से किसी भी फील्ड में, आई मीन टू से कि भाई आपने BTech कर रखी है या आपने MTech कर रखी है, MTech CS या IT से कर रखी है, उसके अलावा आपने भाई MCA कर रखा हो, BCA कर रखा हो, या आपने BSc भी कर रखी है CS या IT में, इसके अलावा आपका PGDA हो गया, उस PGDC हो गया, उसके अलावा आपका ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, कोपा हो गया, पॉलिटेक्निक होगी, और इसके अलावा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले हैं ना, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ECA वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं भाई पे ग्रेड कितनी रहने वाली है। भाई पे ग्रेड अपनी वही जो कंप्यूटर अनुदेशक में थी, 2800 पे ग्रेड रहने वाली है लेवल 8 पर। और इसके अलावा बता दूं कि यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 घंटे का पेपर होगा और एक ही पेपर होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई सिलेबस की। सिलेबस सेम टू सेम वही है जो आपने कंप्यूटर अनुदेशक में पढ़ा था भाई, उसमें तो आपने महासागर पढ़ा था भाई, यहाँ पर आपको उसका 1/5 करना है। यहाँ पर सिलेबस उसका 1/5 आपको यहाँ पर सिलेबस है, बहुत ही ईजी सिलेबस है, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बहुत ही इजी सिलेबस है जो आपने कंप्यूटर अनुदेशक में किया था, वही सिलेबस है। हाँ भाई, जो नए इस वैकेंसी में आने वाले हैं भाई, उनको तो भाई कोचिंग करने की ज़रूरत है ही। अब भाई बात करते हैं इसमें भाई सिलेबस क्या होने वाला है। तो भाई रीजनिंग जो अपन ने कंप्यूटर टीचर में रीजनिंग पढ़ी थी भाई, कंप्लीट रीजनिंग वो यहाँ पर आने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हो भाई कंप्लीट रीजनिंग यहाँ पर आने वाली है। उसके अलावा मैथ आएगी, जो कंप्यूटर उसमें टीचर में थी वही मैथ है यहाँ पर, DI वगैरह इसमें आने वाली है। उसके बाद मैं बात कर दूँ देखो GK की, भाई GK में 3 पार्ट होने वाले हैं इसमें। भाई GK में करंट अफेयर आने वाला है, कंप्यूटर अनुदेशक में राजस्थान का ही ओनली करंट अफेयर आया था, लेकिन यहाँ पर इंडिया लेवल का भी करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, राजस्थान और इंडिया दोनों लेवल का यहाँ पर आपको करंट अफेयर पूछे जाने वाला है। उसके बाद में भाई बात करते हैं IT रिलेटेड GK, मतलब कि IT के फील्ड में जो मेजर डेवलपमेंट है भाई, उससे रिलेटेड आपको GK यहाँ पर पूछने की मिलेगी। इसके बाद मैं बात करता हूँ भाई हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की, और ज्योग्राफी, ये भी आपसे पूछी जाएगी। यहाँ से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब भाई मेन बात करते हैं जो आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है भाई, वो बहुत ही ईजी सिलेबस है। तो भाई फर्स्ट देखो, यहाँ पर एक कंप्यूटर फंडामेंटल भाई, जो कि आपने बहुत ही पढ़ा होगा उसमें कंप्यूटर टीचर में, तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर फंडामेंटल आने वाला है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ भाई देखो ओवरव्यू ऑन OS, तो भाई थोड़ा बहुत ओवरव्यू ऑन OS की भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत वो पूछेंगे यहाँ पर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पर MS Word, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, जो आपने कंप्यूटर टीचर में पढ़ा था, सेम टू सेम यहाँ पर आपको पढ़ना है। उसके अलावा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि भाई डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट वगैरह, हेक्साडेसिमल, यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि भाई कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और डेटा प्रोसेसिंग की, भाई डेटा की प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं भाई डेटा को जो अपन प्रोसेस करते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है, नॉलेज क्या होती है, डेटा क्या होता है, ये छोटे छोटे टॉपिक है जो यहाँ से आपको पूछने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ फाइल्स, तो भाई फाइल्स क्या होती है, कितने टाइप की होती है, वो यहाँ से पूछने वाला है।
इसके अलावा मैं बात करूँ तो भाई IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, भाई ये कंप्यूटर टीचर में एजेटिस था, ये सारे एजेटिस थे कंप्यूटर टीचर में। यहाँ पर IoT पूछने वाला है, वही सिंपल जो अपने पढ़े तो वहाँ पर भाई प्रोटोकॉल क्या होते हैं, लेन क्या है, वैन क्या है, मैन क्या है, ब्राउजर पूछेगा वो, सर्च इंजन पूछने वाला है, वेब पब्लिशिंग की, भाई वेब पब्लिश कैसे करते, कैसे क्रिएट करते, कैसे उसको मैनिपुलेट करते हैं, HTML पूछने वाला है यहाँ से आपको, ये सब सब कुछ पढ़ चुके हैं अपन वहाँ पर। ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग, यहाँ पर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग और बहुत सारे कुछ यहाँ से पूछने वाला है, ये वही है सिलेबस सेम टू सेम कंप्यूटर अनुदेशक का। इसके बाद बात करते हैं अपन सिक्योरिटी, ठीक है, ये वही है सेम टू सेम, वायरस क्या होता है, मैलिशियस अटैक्स क्या, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, फायरवॉल क्या होता है, बैकअप टेक्निक एंड रेस्टोरिंग टेक्निक भी वो आपसे पूछने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पर आपको एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ये पूछने वाला है, और थोड़ा बहुत कि भाई सी क्या होती है, मतलब सी पर इंट्रोडक्शन ऑफ सी, यहाँ पर सी लैंग्वेज आपसे वो पूछने वाला है, उसके कंसेप्ट भी पूछने वाला है, और IDEs पूछने वाले हैं यहाँ पर। तो यार देखो, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी कोचिंग की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि यार सिलेबस बहुत ही इजी है, और ये वही सिलेबस है जो आप कंप्यूटर टीचर में पढ़कर आ चुके हो, ठीक है। तो यदि आप इसको सेल्फ भी करोगे तो आप लगभग 2 महीने के अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, और जो नए बंदे इस वैकेंसी के लिए, तो भाई यार मैं आपको बता दूं कि यार मैं ये सारा सिलेबस आपको फ्री में कंप्लीट कराने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, ए टू जेड, कोई आपको ऐसा टॉपिक नहीं छूटेगा कि यार सर आपने ये टॉपिक मुझे नहीं कराया, आपको ए टू जेड टॉपिक कराए जाएंगे, एकदम सिंपलेस्ट वे में कराए जाएंगे, ठीक है। तो आज तो मेरा मकसद ये था कि मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करा दूँ कि भाई क्या वैकेंसी है, क्या इसके क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो यार देखो, कल से मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ सिलेबस की, तो यार मैं इसको अप्रोक्स 2 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करा दूंगा, आप आराम से चलेंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार सर समझ में नहीं आ रहा, आप क्या पढ़ा रहे हो, ये फालतू का पढ़ा रहे हो, ये ना, बिल्कुल आपको सब कुछ समझ में आएगा, ए टू जेड समझ में आएगा, सिलेक्शन आपका 101% होगा यदि आप मेरे साथ पढ़े तो। जो जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको वही पढ़ना है, सिलेक्शन आपका इजीली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इतने टफ नहीं पूछे जाते हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप चाहे पिछला पेपर उठाकर देख लेना, ठीक है। तो यार बस आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं भाई, यदि आपको लगता है कि आपको मेरे से जुड़ना चाहिए, मेरा जो मैं आपको एक कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ, यदि आपको चाहिए वो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इस सिलेबस के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।